सुनने के लिए आए थे। नहीं तो कमल साहब का वोट देगा, पर अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों वक्त चुनाव का है, 17 तारीख को चुनाव होने हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है। सारे नेता, सारे पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। हर पार्टी के अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक आम आदमी इस चुनाव के बारे में क्या सोचता है, तो हम ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आज हमारे साथ ये अब्बाबा, नाम क्या बताए हैं अपना? अशोक दुबे। ये अशोक दुबे जी हैं, ये विकलांग हैं, ट्राइसिकल ये से चलते हैं और बहुत मुश्किल से इनका जीवन बसर होता है। तो हम दुबे जी से जानेंगे कि आखिर चुनाव के बारे में ये क्या सोचते हैं। दुबे जी जी, चुनाव का समय तो आ गया है जी, तो और वक्त में आपसे लोग मिले चाहे मत मिले, चुनाव में तो लोग आपसे मिल रहे होंगे, कुछ लोग नेता लोग। अभी तक तो कोई भी सामने में नहीं आया है बाबू, लेकिन सामने में आने के पास मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि मेरा मन ही फट चुका है। एक छोटा सा काम जब हमारे जैसा लोगों के साथ नहीं कर सकते ये, तो फिर इनका रहना नहीं रहना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए मेरे को जो है ये वोट फोट से या किस पार्टी, कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। इतनी नाराज़गी क्यों है, किस बात की नाराज़गी? बस सिर्फ दुख तकलीफ, जब हमारे जैसे लोगों का ये साथ नहीं दे सकते तो ये और क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, अब कब से इस स्थिति में कब से हैं? 7-8 साल हो गया बस। अच्छा, कैसे, क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, वो नस प्रॉब्लम है जी। तो इलाज वगैरह? इलाज वगैरह कुछ नहीं, अंबिकापुर में दिखवाया बाबू, तो वहाँ के लोग बोले या तो आपको रायपुर जाना पड़ेगा या फिर रांची, और प्लस एक आदमी साथ में होना चाहिए। बताए मेरा साथ में कोई है ही नहीं मेरे आगे पीछे, भाई किसको ज़बरदस्ती कहूँगा कि तुम मेरे साथ चलो। और मान लीजिए अगर तैयार भी हो जाते हैं तो उनका खर्चा वहन कौन करेगा? आपके लड़के वगैरह? लड़के वगैरह हैं लेकिन बाहर में रहते हैं। तो आपके देखभाल कौन करता है बाबा? कुछ नहीं, बस भगवान भरोसे यही कुनकुरी में हूँ। आप ही लोग सरीखे कुछ ना कुछ, कभी नाश्ता करा दे रहे हैं, कभी खाना खिला दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को देखने वाले जो आज पद में बैठे हुए, ये इनका मुंह कभी नहीं खुला मेरे पास, कभी आपसे मिलने नहीं है? नहीं, कभी नहीं। ये तो कुनकुरी मुख्यालय है, यहाँ तो बड़े बड़े नेता आते हैं, तो भाजपा के भी नेता आते हैं, कांग्रेस के भी नेता आते हैं, भाजपा के भी विधायक रहे, कांग्रेस के, कोई आपसे संपर्क नहीं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा आप किसी के पास गए कि नहीं? किसके पास जाऊंगा, जाने के बाद में भी टलावा वाली बात करते हैं। 5 साल हो गया बाबू, 5 साल तक यूडी मेंज के पास जा के मैं थक गया कि बैटरी वाला साइकिल दिलवा दीजिए ताकि मैं अपना नित्य कर्म जो भी हो अपने से कर सकूं। कोई सुनवाई नहीं हुआ, देख लीजिए समय ख़त्म हो गया। ये तो यूडी मेंज तो अभी विधायक बने, पहले भी तो विधायक थे भाजपा के, उनके पास पहले भी थे, लेकिन पहले वाले भी इसी टाइप से नाटक करते चले गए। इनको सिर्फ कमीशन चाहिए, तो बताइए हमारे जैसा आदमी कहाँ से कमीशन देगा? ये कमीशन खा रहे हैं और काम दे रहे हैं या किसी का भी काम कर रहे हैं? तो देखिए ये जो दुबे जी हैं, काफ़ी इनके मन में गुस्सा है। इनका कहना है कि ये काफ़ी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से, मतलब इनका वो है कि मतलब ये देख सकते हैं इनका पहनावा ओढ़ावा कैसे ज़िंदगी बसर करते होंगे, एकदम आम आदमी। और इनका कहना यह है कि इनके लिए आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने कभी सोचा नहीं, कभी इनसे मुलाकात नहीं की, कभी इनका दर्द जानने की कोशिश नहीं की, और जब अपना दर्द लेके जब नेताओं के पास पहुँचे तो भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा बताइए किस किस के पास गए थे आप अभी तक अपना परेशानी लेकर? यूडी मेंज के पास गया और मुरारी अग्रवाल के पास भी गया। मैंने कुनकुरी में जो भी सामने में दिख रहे हैं, चाहे लोग बाग बताते हैं कि शायद अगर इन आपका अगर ये लोग सुन ले तो तब की बात है, दोनों के पास जा के देख लिया बाबू। लेकिन रोहित साय भी तो विधायक थे, उनके पास गए थे कि नहीं? ए बाबू, अब रोहित साय कुनकुरी में तो रहते नहीं हैं या आते नहीं हैं, लेकिन अब ये साइकिल में मैं उन तक पहुँच पाना मेरे लिए असंभव। अच्छा जी, नहीं तो और कोई माध्यम से किसी और नेता लोग के जरिए जाना वहाँ मिलना लोगों से? यहाँ तक कि अब बताइए मैं कलेक्टर ऑफिस तक जा देखा, जसपुर गए थे आप वहाँ? जी वहाँ तक भी गया था। कैसे गए थे बाबा, दिक्कत हो रही है? ऑटो बुक किया था बाबू।
अच्छा जी, ऑटो से गए थे? ऑटो से गया था। अच्छा, तो वहाँ भी साहब लोग यही बोले कि बाबा अभी तो आपका वो बैटरी वाला साइकिल नहीं है, वही पैडल वाला साइकिल है, इसी को ले जाना है तो ले जाइए। तो मैं बोला ये पैडल वाला साइकिल तो मेरे को कुनकुरी में भी मिलता है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा बाबा, आपकी उम्र क्या है? 60 साल। अच्छा, 60 साल के आप हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बताइए, मैं पूरा उम्र माने बचपन से ले कर अब आखिरी समय आ गया मेरा कुनकुरी में रहते हुए, और ये स्थिति मेरे को आज 8-10 साल हो गया, लेकिन बाबू ना तो विकलांग पेंशन मिल रहा है मेरे को, ना तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और ना तो राशन पानी ढंग से दे रहे हैं। आखिर क्या मतलब है बताइए मेरे को, आखिर एक ही जगह रहते हुए, और जब मांग के ही खाना होगा तो कहीं भी आदमी चला। देख सकते हैं कि एक कितना गुस्सा है इनके मन में, जो दिव्यांग लोगों के लिए सरकार के पास कितनी सारी योजनाएँ हैं, सरकार दावा करती है कई सारी योजनाओं को लागू करने की दावा करती है, लेकिन अगर हम इनकी बात माने तो सारी योजनाएं इनके दर तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं, आज तक इन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं, कभी नहीं, वही तो बोलता रहा हूँ ना, तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना विकलांग पेंशन दे रहे हैं, ना तो राशन पानी ढंग से मिल रहा है, कुछ नहीं। तो ये तो बहुत छोटी समस्या है, तो वार्ड पार्षद भी आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, जब ऐसा नेता बड़े बड़े लोग नहीं सुन रहे थे, छोटे लोग क्या सुनेंगे बाबू, छोटे लोग क्या सुनेंगे, ये लोग तो साफ बोल देते हैं कि भैया और दादा जानेंगे, और पता नहीं तो फिर ये लोग क्यों हैं बैठ के कुर्सी को जाम किए हुए। तो कभी वार्ड पार्षद ये कौन से, ये किस वार्ड में रहते हैं? ये आदर्श नगर में। आदर्श नगर में रहते हैं, पार्षद कौन है आपका? पार्षद वही उपेंद्र की घरवाली, लेकिन जब से उपेंद्र ख़त्म हो गया तब से तो वो आती नहीं, कभी मोहल्ले में झांकने तक नहीं आई वो।